वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एनडीए 2023 की तैयारी हो या एनडीए 2024, मुझे पता है आप सब लोग पूरी शिद्दत से इस तैयारी में लगे हैं एंड आई प्रे कि आप सबके एफर्ट्स फ्रूटफुल प्रूव हो। चलो आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आप सब मोटिवेट हो जाएंगे और अपने गोल के लिए दुगनी शिद्दत से लग जाएंगे। ये कहानी है स्वप्निल पांडे की, जिसने एनडीए 150 में ऑल इंडिया रैंक 412 हासिल किया था अपने पहले प्रयास में। स्वप्निल भी आप सब स्टूडेंट्स की तरह बचपन से ये सपना देखता था कि उसे फौज में जाना है, उसे नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना है। सो ये जो स्वप्निल है, ये बच्चा जब कक्षा 10th पास कर लेता है, अपना माइंड वहीं से मेकअप कर लेता है, नाउ आई हैव टू डू इट। वेरियस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे और उसी के साथ में इसकी जर्नी शुरू हो जाती है। 12th अपियरिंग में आप सोच सकते हैं जहां बोर्ड्स का प्रेशर भी था, वहां स्वप्निल ने अपने पहले प्रयास में रिकमेंडेशन प्राप्त किया। वो कैसे, आइए देखते हैं। जर्नी शुरू होती है कक्षा 10वीं के बाद से ही, जब स्वप्निल ने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि उसे आईआईटी में नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू नहीं गुजरना है, उसे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देना है। और एक सर्च वहीं से शुरू हो जाती है कि अब गाइडेंस कहाँ से लिया जाए, और उस पर्टिकुलर गाइडेंस के लिए स्वप्निल पांडे ने पूरी R&D के साथ, पूरी सोच समझदारी के साथ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ में अपना ये सफर शुरू कर दिया। एक ऐसा सफर जहां पर उसे पता था कि मुश्किलें कई होंगी, लेकिन वो उसकी हार्डवर्क ही होगा, उसकी शिद्दत ही होगी जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था कि 12th के साथ साथ एनडीए को क्लियर करना है, जहां एक तरफ आप सभी स्टूडेंट्स भी इस चीज से वाकिफ हो सकते हैं, जहां आपको एक तरफ 12th बोर्ड्स का प्रेशर होता है, वहीं यूपीएससी एनडीए एग्जाम को क्लियर करना और उसी दौरान अपनी एसएसबी की तैयारी करना एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। खैर, स्वप्निल ने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और एक तरीके से अपनी ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी सेंचुरियन के हाथों में सौंप दी। इसी के साथ में 12th में रहते रहते स्वप्निल ने सितंबर टारगेट का एग्जाम दिया, जिसको कि वो अपने पहले ही प्रयास में क्लियर कर ले गया। पहले प्रयास में इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में मानिए कि वो खुशी से फूला न समाया, क्योंकि आप जब एनडीए यूपीएससी रिटन का ये एग्जाम पहले प्रयास से क्लियर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन हो जाता है, और जब टीम सेंचुरियन आपके साथ में होती है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं होती, आपको ए टू जेड गाइडेंस तो देते ही देते। खैर, अब जब स्वप्निल ने अपना रिटन क्लियर कर लिया, उसके बाद जो मेजर चैलेंज था वो था कि उसे रिटन के बाद में SSB इंटरव्यू को परस्यू करना है। लेकिन अब वो समय था जब स्वप्निल की SSB प्रिपरेशन के लिए अपना एक महीना निकालना था अपने बोर्ड एग्जाम के शेड्यूल से, और उसी दौरान उसके काफी सारे प्रैक्टिकल्स शेड्यूल थे। अब यहाँ पर एक राइट डिसीजन स्वप्निल को लेना था कि वो क्या चूज करेगा, अपने बोर्ड एग्जाम्स को प्रायोरिटी देगा या फिर एनडीए एग्जाम को। खैर, समझदारी से स्वप्निल ने अपने स्कूल टीचर से डिस्कस किया एंड ही गॉट हिज प्रैक्टिकल्स रीस्केड्यूल्ड और उसने अपने SSB की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दी विद टीम सेंचुरियन, जहां पर उसने पूरा गाइडेंस लिया राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग टू साइकोलॉजी टू इंटरव्यू टू GTO टू कॉन्फ्रेंस, एक एक चीज को बारीकी से समझा। SSS के साथ में बैठकर उसने पूरी स्ट्रैटेजी को फ्रेम किया, पर्सनल इंडिविजुअल गाइडेंस लिया, जितने भी उसको रिमार्क्स मिलते थे, फीडबैक्स मिलते थे, वो उस पर वर्क करता रहा और अपने आप को इम्प्रूव करता रहा। जहां एक तरफ उसको इस चीज़ की भी टेंशन थी कि उसको वापस जाना है और उसको अपने बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं, और वहीं दूसरी तरफ उसने अपने माइंड को बैलेंस रखा कि अभी मैं जहां हूं पहले इसकी तैयारी कर लेता हूं, वापस जाकर मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स को परस्यू कर लूंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वप्निल ने ये सब, आपको बता दूँ, सितंबर के जो बाद का फेस होता है उसमें किया, और उस दौरान कितना हेक्टिक स्केड्यूल होता है 12th बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स का, ये आप सब समझ ही सकते हैं। स्वप्निल फाइनली अपनी SSB के लिए जाते हैं। जब SSB के लिए स्वप्निल अपियर होते हैं एट NSB विशाखापट्टनम, वहाँ पर वह अपने पहले ही प्रयास में अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लेते हैं, जो भी उनको गाइडेंस मिला था और अपने खुद के मेहनत के दम पर।
इसी तरीके से एक 12th अपियरिंग स्टूडेंट रिकमेंडेड हो जाता है और उसके बाद वो खुशी साझा करने टीम सेंचुरियन के पास आते हैं, जहां शिशिर दीक्षित सर, फाउंडर डायरेक्टर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, अलॉन्ग विद टीम सेंचुरियन एट प्राउड सेंचुरियंस उनको फेलिसिटेट करते हैं, खूब ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और वो मोमेंट को इन्जॉय करते हैं। अब हर एक एस्पिरेंट के लिए ये मोमेंट बहुत खास होता है जो रिकमेंडेशन के बाद की जर्नी होती है, लेकिन यस वो उतना ही टफ हो जाता है क्योंकि नेशनल डिफेंस अकेडमी में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं और तो एक अच्छी रैंक लाना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाता है। खैर, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है एंड स्वप्निल रैंक्स 412 इन द ओवरऑल मेरिट लिस्ट, विच वॉज इंडीड अ गुड रैंक एंड विच हैड ग्रेट चांसेस कि वह नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करेंगे। नाउ वो जर्नी जो एक इंतज़ार होता है उसको बयान नहीं किया जा सकता, आपके कॉल अप लेटर आने तक का जो इंतज़ार और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने तक का जो इंतज़ार होता है उसको क्या ही शब्दों में बयां करें। स्वप्निल वॉज वेटिंग फॉर हिज कॉल अप लेटर एंड फाइनली व्हेन ही रिसीव्ड इट वो प्रफुल्लित थे, उनका परिवार प्रफुल्लित था और उससे ज़्यादा टीम सेंचुरियन प्रफुल्लित थी। एंड फाइनली टुडे व्हेन स्वप्निल हैड टू रिपोर्ट एट नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे, तो आज सवेरे वो अपने माता पिता के साथ में टीम सेंचुरियन को मिलने के लिए एक बार फिर से पहुंचते हैं, जहां वो फिर से एक बार स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। सर शिशिर दीक्षित पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सेंचुरियन का जो रिवाज है ढोल शोल लगाड़ों के साथ में हमने विदाई करी हमारे प्राउड स्वप्निल की, जहाँ शिशिर दीक्षित सर स्वयं उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए और उसको फेयरवेल दिया, उसके ऑल द बेस्ट बोला उसके आगे की जर्नी के लिए। तो एक ऐसी जर्नी जो विद इन अ ईयर ऑफ टाइम स्पैन फुलफिल हो गया, एक ऐसा गोल आप भी कर सकते हो। आप जैसे जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी स्वप्निल की तरह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी सी शिद्दत, मेहनत, डेडिकेशन की एंड यू विल बी ऑन द क्लाउड 9। स्वप्निल पांडे की जर्नी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर NDA 2023 एग्जाम जस्ट लाइक स्वप्निल डिड, यू कैन जॉइन द 2 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of July 2023 आदि लखनऊ एंड देहरादून सेंटर्स ऑफ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।